हाय स्टूडेंट्स, प्रगति देसाई, वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम ट्रिक थर्ड डिस्कस करेंगे लिमिट्स की, वन स्टेप एंड वन सेकेंड आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दीज आर माय टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, सो इट्स आंसर इज एक्स बाय टू। सेकेंड क्वेश्चन, सो इट्स आंसर इज एक्स बाय थ्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट, और इसमें भी यही ऑप्शंस थे तो इसके लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन स्टेप एंड वन सेकेंड आंसर, जी हां, आप भी कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? लेट्स सी। My first question is, you have to find limit n approaches to infinity. This is nothing but greatest integer function whose value is less than equals to this value. जैसे मैं लू 2.3, तो हमें इंटीजर लेना है जो 2.3 से कम हो या उसके इक्वल हो। 2.3 is not an integer, so 2.3 से कम कौन सा इंटीजर बन रहा है? 2। So, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 2। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स अप टू कहां तक है? ये एन एक्स तक है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। इसकी लिमिट निकालनी है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा के सिंपल लिख लीजिए। सो सिंपली मैं लिख लूंगी एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस अप टू सो ऑन अप टू एन एक्स बाय एन स्क्वायर। लिख लिया। अब न्यूमिरेटर में एक्स कॉमन ले सकती हूं, मुझे मिला वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो ऑन अप टू एन इंटू एक्स बाय एन स्क्वायर। नाउ वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। सो इसकी जगह लिख लो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू और बाकी वैल्यूज एज इट इज। ओपन दिस ब्रैकेट, यू विल गेट एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू एन स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब आपको लिमिट लगानी है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप देखिए, अगर एन को इन्फिनिटी रखती हूं तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है, मीन्स अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो आपको डिनोमिनेटर से एन स्क्वायर हटाना है। अगर एन स्क्वायर हट जाएगा इट मीन्स डिनोमिनेटर में सिर्फ टू बचेगा। सो मैं क्या करूं, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को एन स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूं। इफ आई डिवाइड न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर बाय एन स्क्वायर देन व्हाट विल आई गेट? वन ओवर एन स्क्वायर प्लस एन बाय एन स्क्वायर दैट इज वन बाय एन ओवर टू और एक्स एज इट इज। अब इस पे लगाओ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सॉरी, एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर दैट इज वन, है ना? एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वन आएगा। वन एज इट इज प्लस वन बाय इंफिनिटी इज जीरो डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स। सो व्हाट्स योर आंसर? एक्स बाय टू, राइट। सिमिलरली वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन। इसमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वन बाय एन क्यूब, ग्रेटेस्ट इंटीजर वन स्क्वायर एक्स, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम देख रहे हैं यहां पे, चाहे वो वन इंटू एक्स, टू इंटू एक्स हो, या फिर वन स्क्वायर इंटू एक्स हो, या फिर वन क्यूब इंटू एक्स प्लस टू क्यूब इंटू एक्स हो। ठीक है, सो वन स्क्वायर इंटू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां तक जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एन स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, इसकी लिमिट बतानी है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा के सिंपली हम फंक्शन लिख लेंगे। सो कैसे लिखूं? वन स्क्वायर दैट इज वन, टू स्क्वायर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर एक्स, दिस इज स्क्वायर अप टू सो ऑन अप टू एन स्क्वायर एक्स बाय एन क्यूब। सो न्यूमिनेटर में सेम एक्स कॉमन ले सकती हूं, ले लीजिए वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू सो ऑन अप टू एन स्क्वायर एक्स, मैंने कॉमन ले लिया बाय एन क्यूब। नाउ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी है? सम ऑफ फर्स्ट
एन नेचुरल नंबर्स, जिसमें जो नेचुरल नंबर्स का है उसके पास स्क्वायर है, स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एन इंटू, यस टेल मी, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स. अच्छा, अगर ये वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर की जगह वन क्यूब प्लस टू क्यूब अप टू एन क्यूब बन रहा होता, सम ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू होल क्यूब. ठीक है, ये हम ऑलरेडी इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ चुके होते हैं. सो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, बाकी की सारी चीजें एज इट इज. यस, जस्ट सिंप्लीफाई इट फर्स्ट. सो ये क्या बनेगा? एन स्क्वायर प्लस एन, फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को ओपन इट. नेक्स्ट, अब इनको खोलो, क्या बनेगा? टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर प्लस एन बाय सिक्स एन क्यूब इंटू एक्स. यस और नो? जस्ट हैव अ लुक. जस्ट सिंप्लीफाई इट. इधर आ जाओ. अब लिमिट लगा लेते हैं. लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन बाय सिक्स एन क्यूब इंटू एक्स. राइट, अगर मैं एन को इंफिनिटी रखती हूं तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन रहा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म विच इज अनडिफाइंड, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. मीन्स डिनोमिनेटर से मुझे एन क्यूब हटाना है, सो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मैं एन क्यूब से डिवाइड कर दूंगी. अब अगर न्यूमिनेटर को एन क्यूब से डिवाइड करते हैं, टू इंटू एन क्यूब बाय एन क्यूब दैट इज टू, थ्री इंटू एन स्क्वायर बाय एन क्यूब दैट इज थ्री बाय एन, एन बाय एन क्यूब क्या हो जाएगा? वन बाय एन स्क्वायर, और इसको एन क्यूब से डिवाइड करेंगे सिक्स बचेगा. अब एन की जगह इंफिनिटी रख दो क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है एन. टू प्लस थ्री बाय इंफिनिटी दैट इज जीरो, वन बाय इंफिनिटी दैट इज जीरो, सो ये क्या आ गया? एक्स बाय थ्री, दैट इज योर आंसर. सिंपल. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, शॉर्ट ट्रिक लेके उसकी. टिल देन बाय बाय, सी यू.